दिवस के अवसर पर पुरातेज थल सेना की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्ता को बयान करता है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस श्रृंखला में सेवानिवृत्त आर्मी जवानों द्वारा अजनी चौक स्थित अमर जवान स्मारक पर माल्यार्पण कर यह दिन मनाया गया। गौरतलब है कि सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल, बाद में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर से यह पदभार ग्रहण किया था। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी न कभी अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। उसी श्रृंखला में सेवानिवृत्त आर्मी जवानों द्वारा अजनी चौक स्थित अमर जवान स्मारक पर माल्यार्पण कर यह दिन मनाया गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय गीत से हुई, जहां मौजूद सेवानिवृत्त जवानों ने सभी दिवंगत जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और थल सेना के योगदान को सभी के सामने बयां किया। आज स्थापनेपासून म्हणजे टेकओव्हर केल्यापासून 75 वर्ष कंप्लीट झालेले आहे। 15 जानेवारी 1949 रोजी भारताचे पहिले जनरल करियप्पा यांनी ब्रिटिशांकडनं आपली ज्याची धुरा सांभाळली होती आणि त्या दिवस तो दिवस आज आपण भारतीय सेना दिवस म्हणून दरवर्षी साजरा करतो, त्यानिमित्ताने आज आपण इथेही सुद्धा कार्यक्रम भारतीय युवांतर्फे आणि अमर जवान स्मारक समिती अजनीतर्फे आयोजित केलेला आहे। निष्क्रिय स्वातंत्र्य को कायम रखने के लिए तथा ऐसे अन्य लोग भी हैं जो इस उपक्रम में भारत के स्वातंत्र्य के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया, किसी की गणना हुई है किसी की नहीं भी हुई, उन सब लोगों को पुनश्च हम अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस कार्यक्रम को 2 मिनट के लिए हम लोग अगला आप लोगों को छोटा सा भाषण दूंगा या इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरे से यहाँ पर उपस्थित कॉमोडोर आनंद साहब हैं, मिसेस वानखेड़े मैडम आई हैं, फिर यहाँ पर राजू धांडे साहब हैं, ठाकुर साहब हैं। कोणाला वाईट वाटले तरी चालेल, आई एम स्लाइटली हार्श इन स्पीकिंग बिकॉज आर्मी डे, नेव्ही डे एंड एअरफोर्स डे इज नॉट मेंट टू बी सेलिब्रेटेड बाय पर्सनल एंड ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ये तो हमारा काम है, ये तो हमारा काम है। अगर हम सिविलियन हैं और हम आपके महत्ता को समझते हैं, आपका महत्व समझते हैं, तो हमें ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए और आपको गेस्ट के तौर पे बुलाना चाहिए। यहाँ चित्र थोड़ा सा कुछ अलग है, वो चित्र बदलेगा, उसको बदलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। लास्ट 33 इयर्स आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस पिक्चर, इट विल चेंज। आई एम बेसिकली अ सिविल इंजीनियर बट माई पैशन इज inspiring youth, underprivileged youth to join defense forces. शतकों से ज्यादा गौरवशाली परंपरा प्राप्त है। आज भारत के नागरिक को भारतीय सेना पर गर्व है और पूरा भरोसा है उसके कर्तव्य क्षमता पर। भारतीय सेना के रहते आज अपनी सीमा सुरक्षित है और जिसकी वजह से राष्ट्र की उन्नति संभव है। राष्ट्र की उन्नति में देश की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। सीमा चाहे बर्फीली हो, रेगिस्तानी हो या जंगलों से लिप्त हो, भारतीय सेना के जवान हर जगह पर चौकन्ने मौजूद है और उसकी वजह से आज देश का नागरिक अपने कार्यकलाप खुले वातावरण में निर्भय मन से कर सकता है। आतंकवाद से मुकाबला करने में भी भारतीय सेना सर्वप्रथम है। आज का दिन भारतीय सेना के प्रति अपना आदर और आभार व्यक्त करने का है। इस 2 शतकों की जर्नी में अनगिनत सैनिकों ने अपना योगदान दिया है, कईयों ने अपना बलिदान दिया है, कई लोग अपाहिज हुए हैं। उन सभी के प्रति मैं अपने हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे के भविष्य में भी भारतीय सेना अपना गौरवशाली प्रोग्रेस जारी रखेगी, टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जारी रखेगी, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।